तो इससे पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें वेवेक्स का जो शैम्पू है उसको इस्तेमाल किया था। तो वो शैम्पू में क्या था कि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि उसमें ज़्यादा फोम नहीं आ रहा, ज़्यादा झाग नहीं है। तो शायद उसका ये कारण हो सकता है कि मैंने बहुत ही डाइल्यूट करके उसे इस्तेमाल किया था। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड शैम्पू डालूँ और देखता हूँ कि कितना झाग आता है। वैसे तो 5 लीटर का वो शैम्पू पड़ता है और करीब 5 लीटर का शैम्पू है और मेरे को करीब पड़ा था 580 रुपये का। हालांकि उसका रेट ऊपर नीचे होते रहता है। तो मैं वैसे तो काफ़ी सस्ता शैम्पू है और उससे सस्ता शैम्पू मेरे ख्याल से मुझे अमेज़न पे मिला नहीं, तो इसलिए मैंने उसे ही मंगा लिया। लेकिन उसमें जो उसका जो झाग है ना, काफ़ी कम है जो मेरा एक्सपीरियंस उस हिसाब से। तो मैं एक काम करूँगा कि उसमें अब मैं ज़्यादा गाढ़ा शैम्पू मिक्स करूँगा, फिर देखता हूँ कि वो उससे कितना अच्छा सफाई होता है। ठीक है, तो ये मेरे पापा की बाइक की होंडा साइन, इसे मैं एक बार साफ़ करके देखता हूँ। ठीक है, वैसे तो ये बहुत गंदी हुई हुई है, अभी करीब महीना भर हो गया इसे धोया नहीं है मैंने। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी कैसी है अभी। तो चलिए, इस फोम कैनन में मैं अब फुल कॉन्सेंट्रेटेड शैम्पू डालता हूँ वेवेक्स का, जो कि है ये शैम्पू। आपको दिखा देता हूँ, ये है वो शैम्पू जिसको मैं अभी फुल कॉन्सेंट्रेशन में डालूँगा। इसमें कुछ भी मैं पानी नहीं मिलाऊँगा। और इस पर मैं डालता हूँ फुल कॉन्सेंट्रेटेड वेव एक्स का ऑटो केयर शैम्पू पिंक कलर वाला, एक्सट्रीम वॉश केयर शैम्पू पिंक कलर है। ये टाइट हो गया। तो चलिए, अब मैं इस स्प्रे गन में फोम कैनन को जोड़ देता हूँ। तो उसके लिए ये कनेक्टर मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। ये कनेक्टर कनेक्ट हो गया, ऐसा ये पीछे आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना गाढ़ा फोम निकलता है। काफ़ी गाढ़ा फोम तो निकला है। एक बार और ट्राई करता हूँ। गाढ़ा है मगर मुझे नहीं लगता ज्यादा गाढ़ा है। देखें ना कितना जल्दी ये नीचे जा रहा है। तो गाड़ी को दूसरे साइड में मारता हूँ। देखिए, अभी मुश्किल से 2 मिनट हुआ होगा, अभी से पूरा झाग निकल जा रहा है। इसका मतलब
अपना जो ये शैम्पू है वेवैक्स ऑटो केयर एक्सट्रीम वॉश कर शैम्पू, ये काफ़ी सस्ता शैम्पू है। तो इसे आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि अगर इसको आप फुल कॉन्सेंट्रेशन पे भी यूज़ करेंगे, मतलब केवल शैम्पू ही डालेंगे स्प्रे गन पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फोम निकलेगा। आप इसमें बिल्कुल भी मतलब भरोसा नहीं कर सकते, वो निकलेगा ही नहीं। मैंने पूरा कॉन्सेंट्रेटेड डाल के भी देख लिया है, ठीक है। तो वैसे तो ये काफ़ी सस्ता है, 500 रुपये में 5 लीटर मिलता है, तो इसे आप काफ़ी बार धो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा शैम्पू चाहिए तो फिर मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। थोड़ा कपड़ा मार लेता हूँ, क्या है कि कुछ कुछ गंदगी जो रहती है वो निकलती नहीं है। तो ये मैंने इस पे कपड़ा मार दिया, ठीक है, माइक्रो फाइबर क्लॉथ से। अब इसको रिंस करते हैं। तो मैंने गाड़ी को पूरा साफ कर लिया है और फोम को भी चेक कर लिया था कि कितना गाढ़ा फोम है। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि आप फोम ज़्यादा गाढ़ा नहीं मिलेगा आपको। प्लस 500 रुपये में 5 लीटर कोई बुरा नहीं है यार, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा अमेज़न पे। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको लिंक नीचे दे देता हूँ, और बहुत ही सस्ता है। लेकिन हाँ, आपको टॉप क्वालिटी फोम वॉश नहीं मिलेगा, लेकिन जनरली उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इतना बड़ा 5 लीटर का एक डब्बा मिल रहा है 500 रुपये में, और क्या चीज़। बाकी को आप देखोगे 3M का वगैरह का तो 250-250 रुपये में 350 ml देते हैं, और 1 लीटर लेने जाओ तो करीब 600 रुपये का कुछ उनका पड़ता है। तो फिर उस हिसाब से काफ़ी अच्छा ही है, ठीक है। तो मेरा यही कंक्लूजन है कि अगर आपको सस्ते में चाहिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन टॉप क्वालिटी चाहिए तो उतना टॉप क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।